कक्षा 11 के हमारे जितने भी विद्यार्थी ये एग्जाम हॉल में जाने से पहले वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये मॉडल पेपर है बेटा, लेकिन बहुत ही दमदार है। ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो सिलेक्टेड चीज़ें बताऊंगा। 70 नंबर का आपका पेपर है और एक ही वीडियो में आपको 40 से 45 नंबर पक्के करा दूंगा। ऐसे डंके की चोट पर कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, है मॉडल पेपर लेकिन दमदार है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रथम तंतु प्रोटीनिमा आगुनी तथा मांस में पाया जाता है। कुछ पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है, स्क्लेरोकाइमा। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है, ब्रोंकाई। कॉकरोच में उत्सर्जी अंग है, मेल घिली पीली और नालिकाएं। यूरियुथियन स्तनी होते हैं, जरायुज। डीएनए का संश्लेषण G2 अवस्था में होता है। हीमोग्लोबिन में रक्त लाल कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है और ट्यूबुलिन आ जाएगा। और श्वसन में केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है। सबसे कम वृद्धि दर तंत्रिकी ऊतक में पाई जाती है। साइटोकाइनेसिस का जाएगा आपका। यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन, रंब स्टील, सवन ऊतक का कोर, जिबेलरिन का जाएगा आपका, सॉरी रेडियोला का बता दिया, सौवन ऊतक की कोर जो है वो तीसरा जाएगा आपका। दूसरा जो है सौवन ऊतक की कोर आ गया है ना, तीसरा जो है वो ये रहेगा और रेडियोला का जाएगा आपका टोनी फेरा, और पांचवा जो है आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन आ जाएगा। अब है एक वाक्य में उत्तर, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? तो इंसुलिन। कोशिका चक्र की अवस्था में कोशिका विभाजित करता है, एम अवस्था में। उस तत्व का नाम बताइए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है, ठीक है, मैग्नीशियम। एटीपी क्या है? कोशिकी ऊर्जा की मुद्रा। रकाब नुमा कर्ण अस्थिका कौन सी होती है? स्टेपीस। स्पाइरोगायरा को तालाब का रेशम कहते हैं, सत्य है। दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा आपका ये असत्य रहने वाला है, पांचवा और छठा आपका सत्य रहेगा। यहां से देखिए, इन सबके आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। यहाँ से देखिए, है ना, बढ़िया से सॉल्यूशन लिखना है, वैज्ञानिक नाम लिखने हैं अपने को। प्याज का, मनुष्य का, मेंढक का, हाथी, ठीक है, ये आपके 10 नाम है। यहाँ पर 10 में से कोई से भी 2-3 आएंगे, है ना। विषम बीजाणुता क्या है? देखिए बच्चों ने कुछ प्रश्न ऐसे है कि जो नहीं मिले उनको वो छोड़ देता, अपन ढूंढ लेना आप, और नहीं भी मिल रहा तो मैं अगले वीडियो में ना बनाऊंगा ना, तो इसको पूरा सॉल्व करके बना दूंगा। ये आपके लिए जब तक इतना ही चीज़ आप कंप्लीट कर सकते, एक दो प्रश्न मुश्किल से आना नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से देखिएगा, ये हो गया, ये यहाँ से देखिएगा, ये पुष्पक्रम की परिभाषा हो गई है, ठीक है। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये इसका अथवा है, ये हो गया, ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। ये केंद्रक छिद्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। यहाँ से ये इसका अथवा हो गया है ना, आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। एंजाइम के महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन करना है, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, प्रोटोजोआ का यहाँ पर देख लीजिएगा, हो गया इतना। ये आपका यहाँ से देखिए अंतर है, अंतर में लाइन भी नहीं खींची बच्चों ने, ठीक है, ये यहाँ से देख लीजिएगा, हो गया। ये इसके बाद में यहाँ पर अंतर है दूसरा एक और, हो गया भाइयों, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना ताकि दिक्कत नहीं आएगी आपको सारी चीज़ों में, ये हो गया है ना। यहाँ पर एम्फीबिया वर्ग के 3 लक्षण देखने हैं आपको, इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा,
द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के आंतरिक संरचना में अंतर बताइएगा। यह यहाँ से हो गया। सरल और संयुक्त पत्तियों में अंतर बताना है। हो गया भाइयों, स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करा बच्चों ने। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है, यहाँ पर देख लिया, टिप्पणी लिखनी है दोनों में। श्वसन और दहन में अंतर है फिर से। हो गया भैया। C3 और C4 पौधों में अंतर है। देखिए बहुत ही सिंपल सिंपल लिखे मैंने, ऐसा भी नहीं है ना बच्चों ने के द्वारा लिखवाए गए हैं, ऐसा भी नहीं है। ये तो थोड़ी सी गड़बड़ रख दिया यार, वो तो ऐसी ही बच्चों का। आप अपना काम चला लो यार बस, और क्या है ना। आप जानता कहेंगे तो वो नहीं लिखेंगे है ना, अब नहीं लिखेंगे तो फिर आपको कैसे दूँ दादा। अब मेरे से तो लिखाएगा नहीं इतनी सारी लोग आई कुछ जैसा क्या है। अब एडजस्ट कर लो है ना भैया। ये अब हृदय का नामांकित चित्र आपको बताना है। अब देखिए देखिए ये चित्र ही है वो, पर थोड़ा सा इसका नाम आप पता यहाँ पर मिल जाएगा आपको ना। थोड़ा सा क्या करूँ स्क्रीन।